Good morning, everyone. In our previous class, we had studied about four festivals, which was presented by different different four houses. Like Ganesh Chaturthi presented by Hansraj House, Navratri presented by Dayanand House, and Eidul uh, uh, presented by Vivekanand House. And last is Onam, the carnival of Kerala presented by Gandhi House.

Which is followed by followers of Zoroastrian faith. The festival celebrates resurrection and rebirth. Parsis clean and decorate their homes with rangolis made up of jasmine and rose flowers. So in this passage, uh, we read about uh, है, Navroz, जो है जमशेद नवरोज जो कि है पारसीज का नया साल होता है उसे जाना जाता है ये हाउस के कैप्टन ने बताया इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर जो पारसी जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उसका नाम है शहनशाही कैलेंडर और वो किसके फॉलोअर्स होते हैं जो रेस्ट्रियन के ठीक है जो लोग की जो कि हैं ईरान के लोग होते हैं वो यहाँ आए थे इंडिया में बहुत सारा जो उनका पार्ट है इंडिया में रहता है मुंबई में तो वो लोग जो है शहनशाही कैलेंडर फॉलो करते हैं और उनके शहनशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डे होता है उसे वो जो है नवरोज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ठीक है द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स रेजुग्नेशन एंड रिबर्थ ये फेस्टिवल जो है उनके बर्थ के साथ जो जुड़ा हुआ है इसे जो वो है पुनर्यौवन रेजुग्नेशन होता है पुनर्यौवन और रिबर्थ होता है पुनर्जन्म तो इस फेस्टिवल को पुनर्जन्म और पुनर्यौवन के रूप में जो मनाते है मनाते हैं पारसीज क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विद रंगोली जो पारसी लोग होते हैं वो अपने घरों को जैस्मिन और रोज़ के फूलों की रंगोली से जो है अपने घरों को सजाते हैं कम टू द डू यू नो पारसीज आर अ स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया दे अराइव्ड इन गुजरात रीज़न फ्रॉम ईरान अ मेजर पार्ट ऑफ पारसी पॉपुलेशन लिव्स इन मुंबई दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द इरानियन प्रोफेट जोरास्टर द होली बुक ऑफ पारसीज इज़ जेंड अवस्था ठीक है तो पारसीज जो है एक छोटी सी कम्युनिटी है धार्मिक कम्युनिटी है इंडिया की मतलब बहुत जो कम लोग हैं इनके जो इंडिया में हैं और वो गुजरात एरिया में आए थे ईरान से और उनका जो सबसे ज़्यादा जो पारसी हैं ज़्यादा मेजर पार्ट जो है उनका वो मुंबई में रहता है और वो किसको मानते हैं ईरानियन प्रोफेट जोरास्टर को उनके जो पैगंबर हैं जो उनके गुरु हैं वो ईरान के हैं जिनका नाम है जोरास्टर उसे फॉलो करते हैं वो द होली बुक ऑफ पारसीज़ जेंडावस्था जिस तरह हर रिलीजन की एक हॉली बुक होती है इसी तरह से पारसीज की भी है जिसका नाम है जेंडा अवस्था ठीक है तो आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में सबसे पहले हम डू यू नो पढ़ेंगे इसमें क्या दिया गया है पारसीज गो टू सिनेगॉग थ्राइस ऑन नवर टू वर्शिप खोशद एंड मेहर द टू डिवाइन बींग्स हु प्रिसाइड ओवर द सन एंड द मून रिस्पेक्टिवली पारसीज जो होते हैं सीने गोग में नवरोज वाले दिन तीन बार जाते हैं पूजा करने के लिए किसकी पूजा खोरशद और मेहर की जो कि जो है जिन्हें वो जो है अपना वो मानते हैं देवता मानते हैं और जो सन और मून का जो है आराधना करते हैं ठीक है इस तरह से उन्हें जो सन मून का जो आराध्य मानकर खोरशद और मेहर की वो पूजा करते हैं नवरोज वाले दिन सीने गोग उनका जो है धार्मिक जो है प्लेस है वहाँ जाते हैं वो तीन बार तो अब हम लेफ्ट साइड में आते हैं अपने लेसन पर ओन नवरोज द पार्सिस ऑफर देयर आर प्रेयर्स इन अनेगोग द फायर टेम्पल सीनेगोग क्या चीज़ है फायर टेम्पल है दे वी साल मुबारक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट द स्पेशल फीसट ऑन नवरोज इंक्लूड्स फलूदा सेफ्रॉन पुलाव एंड रवो रवो क्या होता है uh, सेवैयाँ और उसमें जो है खजूर डले होते हैं मेड ऑफ सेमोलिना डेट्स fresh fruits dried fruits and a variety of seeds are also सॉफ्ट इस पैसेज में हमने पढ़ा कि नवरोज़ वाले दिन जो पारसी लोग हैं वो सीनेगोग जाते हैं सिनेगोग इनका एक फायर टेम्पल है जिसकी वो पूजा करते हैं वहाँ जाकर वो प्रे करते हैं और वहाँ जाकर वो क्या है एक दूसरे को जो है गिफ्ट देते हैं और साल मुबारक जो है विश करते हैं साल मुबारक कह के द स्पेशल फीस्ट ऑन नवरोज नवरोज वाले दिन वो एक स्पेशल भोज भी रखते हैं जिसमें कि जो है वो क्या इंक्लूड करते हैं फलूदा सेफ्रॉन पुलाव यानि केसर का बना हुआ पुलाव और रावो और उसके अलावा और क्या सर्व करते हैं फ़्रेश फ्रूट्स ड्राई फ्रूट और जो सीड्स की वराइटी होती है अलग अलग वो जो है सर्व करते हैं नाओ वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ मैरिज सेलिब्रेशंस विच वाज प्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस नेहरू हाउस ने जो प्रेजेंट की मैरिज सेलिब्रेशन इसे जो है इसमें जो है आप भी इंजॉय करते हो मैरिज के बारे में सभी को पता है और सभी टाइप्स के जो बच्चे हैं वो हमारे स्कूल में जो पढ़ते है पढ़ते हैं तो उन्हें अलग अलग टाइप से अपने अपने जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग पता है कि जो मैरिज सेलिब्रेशन है वो कैसे करते हैं तो आओ इसमें पढ़ते हैं हम इन्होंने क्या दिखाया बच्चों ने क्या प्रेजेंट किया द हाउस कैप्टन नरेटिड इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन्स

और यहाँ पर जो है प्रत्येक जो कम्युनिटी है प्रत्येक रीजन है क्षेत्र है उसका जो है अपना एक यूनिक ढंग है वेडिंग्स को जो है सेलिब्रेट करने का शादियों को सेलिब्रेट करने का और डिफरेंट वेडिंग रिचुअल्स हैं यानी कि रीति रिवाज हैं डिफरेंट डिफरेंट शादियों के जिसे क्या है हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो फॉलो किया जाता है बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं हमारे जो कि हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कॉमन भी हैं तो इसे जो है नेहरू हाउस के बच्चों ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर विभिन्न भी संस्कृतियों के साथ जो है वेडिंग जो है सेलिब्रेट की उन्होंने नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अ फन फील्ड प्रेजेंटेशन शो किसड वरियस रिचुअल्स ऑफ अ हिंदू वेडिंग लाइक मेहंदी संगीत बारात कन्यादान सिंदूर सेवन फेराज एंड विदाई द ऑडियंस लव्ड द फोक डांसिस एंड songs दैट वर संग एट डिफरेंट occasions. तो उन्होंने जो विभिन्न भी हमारे रीतियों रीति रिवाजों को हिंदू वेडिंग के रीति रिवाजों को भिन्न भी भिन्न जो है उन्होंने एक क्या किया प्रेजेंट किया बड़े से शोकेस के ऊपर प्रेजेंट किया जैसे कि हिंदू वेडिंग का किया उन्होंने तो मेहंदी का अलग से संगीत बरात ये सब चीज़ें जो है हिंदू वेडिंग की हैं इन्हें जो है उन्होंने प्रेजेंट किया और जो ऑडियंस थी उन्होंने जो है फोक डांस और सॉन्ग्स को इंजॉय किया जो अलग अलग ओकेज़न पे जो है गाए जाते हैं द सेकेंड प्रजेंटेशन शोड सिख वेडिंग जो सेकेंड प्रेजेंटेशन थी पीपीटी की उसमें जो है उन्होंने सिख वेडिंग को प्रेजेंट किया आनंद कारज एट अ गुरुद्वारा द सेरेमनी वाज प्रिजाइडेड ओवर बाई भाई जी आ प्रिस्ट द हाइम्स आर रिसाइटेड फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ सिक्स द ब्राइड एंड ग्रोम वेंट अराउंड द गुरु ग्रंथ साहिब फोर टाइम्स द सेरेमनी वॉज वेरी ब्यूटिफुल सेकेंड जो प्रेजेंटेशन थी वो थी सिख वेडिंग सिखों की जो सिखों सिख धर्म है उनकी वेडिंग थी जिसे हम आनंद कार्यज के रूप में भी जानते हैं और जो गुरुद्वारा में किया जाता है द सेरेमनी वॉज प्रिजाइडेड ओवर द ओवर बाई भाई जी तो गुरुद्वारे में कौन होते हैं वो पगड़ी बांधे हुए एक भाई जी होते हैं जो गुरुद्वारे के प्रेस्ट होते हैं और उन्होंने ही उसकी जो है सेरेमनी की अध्यक्षता की द हाइम्स वर रिसाइटेड फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब जो भी धार्मिक गीत थे या कुछ भी था तो वो जो पाठ किया गया वो कहाँ से किया गया गुरु ग्रंथ साहिब से किया गया जो कि सिखों की हॉली बुक है पवित्र ग्रंथ है द ब्राइड एंड ग्रूम दूल्हा और दुल्हन ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर क्या है चार बार जो है चार बार जो है फेरे लिए द सेरेमनी वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल जो वो शादी थी वो जो क्या थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिश्चियन वेडिंग के बारे में क्रिश्चियन वेडिंग वाज कंडक्टेड बाय अ पेस्ट इन अ चर्च द ब्राइड वाज वियरिंग अ ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस एंड अ वाइट वेल द ग्रोम वाज ड्रेस्ड इन अ सूट द कपल एक्सचेंज रिंग्स एंड एक्सेप्टेड ईच अदर एज हजब एंड वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स द वेडिंग सेरेमनी फॉलोड बाई रिसेप्शन वेयर द वेडिंग केक वॉज कट बाय द कपल तो इस पैसेज में जो है हमें बताया है कि क्रिश्चियन वेडिंग जो है वो एक प्रिस्ट के द्वारा चर्च के पादरी के द्वारा कंडक्ट की गई द ब्राइड वाज वियरिंग अ ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस एंड अ वाइट वेल तो वेल जो होता है वो होता है घूंघट ठीक है तो ब्राइड जो थी दुल्हन जो थी उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और ऊपर से वाइट कलर का एक दुपट्टे से घूंघट लिया था और जो ग्रूम था उसने भी अच्छा सा जो है सूट पहना हुआ था और कपल्स ने दोनों ने क्या किया अपनी रिंग्स को एक्सचेंज किया आपस में अपनी अंगूठियाँ बदली और एक दूसरे को जो है हस्बैंड वाइफ के रूप में जो है पूरे फैमिली मेम्बर्स के सामने और फ्रेंड के सामने जो है हस्बैंड वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया द वेडिंग सेरेमनी वाज़ फॉलोड बाय रिसेप्शन वेयर द वेडिंग केक वॉज़ कट बाय द कपल जो वेडिंग सेरेमनी थी उसे जो है एक्सेप्ट किया गया जो है रिसेप्शन के बाद जहाँ पर जो है कपल ने केक काटा तीनों, तीनों मैरिजेस की जो है सेरेमनी की मैरिज सेरेमनी की देखो पिक्स जो है नीचे दिखाई गई हैं सबसे पहले हिंदू वेडिंग है फिर सिख और फिर क्रिश्चियन ठीक है क्रिश्चियंस की जो वेडिंग होती है वो चर्च में होती है सिख की जो होती है वो गुरुद्वारा में और हिंदू की जो है पंडित जी की से या उसमें हवन कुंड के आगे होती है ठीक है तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द मैरिज रिचुअल्स में डिफोर बट ना असेंस ऑफ ऑल ऑल वेडिंग्स इन इन इज़ द यूनियन ऑफ कपल एंड बॉन्डिंग ऑफ द टू फैमिलीज जो मैरिज की जो रस्में होती हैं वो बेशक से अलग हों परंतु जो उनका एक ही जो है असेंस होता है उनका जो सार होता है वो एक ही होता है सभी वेडिंग्स का क्या होता है दो फैमलियों का मिलन और दो कपल्स का एक होना नेक्स्ट बढ़ेंगे हम द इंटर हाउस सेलिब्रेशन केम टू एन एंड विद अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु हैड प्रजेंटेड द बेस्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इन अ वंडरफुल वे इंटर हाउस सेलिब्रेशन का जो एंड था वो बच्चों और टीचर्स की जो है एप्रिसिएशन के साथ प्रशंसा के साथ जो है ख़त्म हुआ जहाँ जा, जहाँ पर जो है उन्होंने इंडियन कल्चर को एक अद्भुत तरीके से जो है प्रेजेंट किया था ठीक है ये तो ये देखो लास्ट में जो है बच्चों को प्राइज़ भी दिया जा रहा है आई होप आपको जो है लेसन की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी और आप इस लेसन को एक बार खुद से भी रीड करेंगे थैंक यू